Good morning dear students, how are you? I hope you are fine. Take out science book and take out page number 6. C.W write down now and then date and day write down now. We teach previous knowledge of big, tall and big plants, small plants. Which is definition of trees? Tell me now. Big plants are called trees. Okay. Next. स्मॉल प्लांट्स स्मॉल प्लांट्स की हाइट कितनी रहती है फोर मीटर्स ओके टुडे इज न्यू टॉपिक विट इज वेरी स्मॉल प्लांट्स टुडे इज न्यू टॉपिक वेरी स्मॉल प्लांट्स पुट योर पेंसिल इन द सेंटेंस एंड रीड इट ओके very small plants once again repeat me very small plants and sabse chote for example this is very small plants Our today's topic very plant, small plants I explain you okay put your pencil in the sentence and read it very small plants are called shrubs. Once again, repeat me. Very small plants are called herbs. Do underline in the sentence. Next, they grow less than 1 meter in height. Once again, repeat me. They grow less than 1 meter in height. Do underline 1 meter. नेक्स्ट ग्रासेस आर हर्ब्स वन सेकेंड रिपीट मी ग्रासेस आर हर्ब्स डो अंडरलाइन सेंटेंस ओके वेरी स्मॉल प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल कोरियनडल प्लांट्स मिंट प्लांट्स व्हीट प्लांट्स राइस प्लांट ये क्या है छोटे पौधे ये क्यों है और इन्हें क्या कहा जाता है उसके बारे में हम अभी इंफॉर्मेशन लेंगे ओके वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स जो छोटे पौधे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं हर्ब्स वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब इज ए डेफिनेशन ऑफ हर्ब्स वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स दे ग्रो लेस देन वन मीटर इन हाइट जो स्मॉल प्लांट्स रहते हैं वो उनकी हाइट कितनी रहती है वन मीटर फिर स्मॉल ब्रांड की हाइट कितनी रहती है वन मीटर यानी वन मीटर से कम वो क्या करते हैं उनकी हाइट यानी वो बढ़ते हैं ग्रासेस एंड हर्ब्स जो घास रहता है वो क्या है हर्ब्स ग्रासेस घास किस में आता है हर्ब्स में किस में आता है हर्ब्स में फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर प्लांट मीन प्लांट व्हीट प्लांट राइस प्लांट जो कोरिएंडर यानी धनिया पत्ती रहती है उसकी हाइट कितनी रहती है वन मीटर जो मम्मा हमारे सब्जी में डालती है टेस्टी सब्जी होने के लिए मिट यानी पदीना वीट यानी गेहूँ के पेड़ राइस यानी चावल के पेड़ जो ये पेड़ रहते हैं कोरिएंडर मिंट व्हीट राइस ये क्या है हर्ब्स है क्या है ये हर्ब्स क्या है क्योंकि वेरी स्मॉल प्लांट्स दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स वेरी स्मॉल प्लांट्स।, प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स दे ग्रो लेस देन वन मीटर इन हाइट और उनकी हाइट कितनी रहती है वन मीटर विच इज हर्ब्स कोरियंडर मीट व्हीट राइस इज हर्ब प्राण ओके ग्रो विथ टी डू फुटवेयर पेन्सिल्स एंड रेडीड ट्रीज गीव अस उट टू मेक फर्नीचर वन सेकेंड रिपीट मी ट्रीज गीव अस उू मेक फर्नीचर डो अंडरलाइन उड पेड़ रहते पौधे रहते वो हमें क्या देते हैं ऊट है उड़, क्या देते हैं लकड़ा देते टू मेक फर्नीचर हम लकड़ी से क्या बनाते हैं फर्नीचर फॉर एग्जाम्पल टेबल है चेयर है विंडो है डोर है वो किससे बनते हैं ऊट से और ऊट कौन देता है ट्री ट्री गिवर्स वुड टू मेक फर्नीचर जो पेड़ रहता है वो हमें लकड़ा देता है उससे हम क्या बनाते हैं फर्नीचर बनाते हैं ओके नेक्स्ट सम प्लांट्स डू नॉट स्टैंड इरेक्ट, दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइम दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स डू अंडरलाइन क्लाइंबर्स सम प्लांट्स डू नॉट स्टैंड इरेक्ट, तो बहुत से पौधे रहते हैं वो अपने से खड़े नहीं रहते सीधे नहीं रह पाते दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब उनको ऊपर चढ़ने के लिए क्लाइम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है सपोर्ट की किसकी ज़रूरत होती है सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल बीन्स जो मम्मा भी हमारे गार्डन में लगाते हैं पेड़ उनको लकड़ी का क्या दिया जाता है सपोर्ट दिया जाता है फिर वो चढ़ते हैं द ग्रेप वाइन इज अ क्लाइंबर डो अंडरलाइन दिस सेंटेंस द ग्रेप वाइन इज अ क्लाइंबर ग्रेप वाइन जो अंगूर का पेड़ रहता है उसके क्या रहते हैं बेल रहती है वो क्या है क्लाइंबर है अगर उसको हम किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं देंगे लकड़ी का सपोर्ट नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा ग्राउंड पे गिर जाएगा और वो क्लाइम यानी वो चढ़ नहीं पाएगा और उसको फ्रूट्स नहीं लग पाएंगे इसलिए जो ग्रेव वाइन अंगूर के बगीचे में क्या करते हैं उनके लिए लकड़ी का ऐसा मंडा बनाते हैं ऐसा स्क्वेयर वाला और वहाँ पर क्या करते हैं वो क्लाइम यानी चढ़ता जाता है बेला ग्रेफ वाइन इज अ क्लाइंबर जो अंगूर का पेड़ है वो क्या है क्लाइंबर है ओके नेक्स्ट सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड जो बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं वो कहा बढ़ते हैं ग्राउंड में यानी जमीन पे नेक्स्ट दे आर कॉल क्रीपर्स सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड दे आर कॉल क्रीपर्स डो अंडरलाइन दिस सेंटेंस वन सेकेंड रिपीट में सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड दे आर कॉल्ड क्रीपर्स जो पेड़ रहते हैं वो कहाँ पर बढ़ते हैं ग्राउंड में यानी जमीन पर दे आर कॉल क्रीपर जो जमीन पर बढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम क्रीपर्स जो यानी ग्राउंड रहता है जमीन रहती है उस पर वो उनकी ग्रोथ होती है अ मिलन प्लांट इज अ क्रीपर डू अंडरलाइन दिस सेंटेंस एंड वंस अगेन रिपीट मी अ मिलन प्लांट इज अ क्रीपर मिलन प्लांट्स वाटर मिलन तरबूज देखिए वो आपने वो क्या है कीपर है वो जमीन पे बढ़ता है सम ग्राउंड जो वाटर मिलन का प्लांट रहता है वो ग्राउंड पे बढ़ता है ओके नेक्स्ट अ पम्पकिन प्लांट इज अल्सो क्रीपर डू अंडरलाइन दिस सेंटेंस अ पम्पकिन प्लांट इज आल्सो क्रीपर पम्पकिन प्लांट देखिए हो आपने इससे क्या बनाते हैं पम्पकिन की वेजिटेबल सब्जी बनाते हैं उसका से, सेप राउंड शेप में रहता है आकार गोल रहता है इतना बड़ा रहता है उसका जो बेल रहती है वो कहाँ रहती है ग्राउंड पे ज़मीन पे क्योंकि उसका वेट क्या रहता है ज़्यादा रहता है और वो अगर हम उसको सपोर्ट देंगे तो सपोर्ट भी क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा इसीलिए जो पम्पिन है पंपकि का प्लांट है वो कहाँ पे बढ़ता है ज़मीन में बढ़ता है कहाँ पे बढ़ता है ज़मीन पे ओके तो ट्री हमें क्या क्या देते हैं ऊट देते हैं फ्रूट देते हैं और जो सम प्लांट जो टा, प्लांट स्टैंड इरेक्ट यानी खड़े नहीं रह पाते उन्हें हम क्या बोलते हैं क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल क्या है ग्रेप वाइन अंगूर का पेड़ क्या है वो क्लाइंबर है ओके नेक्स्ट सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड दे आर कॉल्ड क्रीपर्स क्रीपर्स किसे कहते हैं सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड दे आर कॉल्ड क्रीपर्स जो जमीन पे बढ़ते हैं जमीन पे उनकी ग्रोथ होती है ग्राउंड में उन्हें हम क्या कहते हैं क्रीपर्स क्रीपर्स का एग्जाम्पल कौन सा है मिलन वाटर मिलन प्लांट इज अ क्रीपर नेक्स्ट पंपकिन का पेड़ जो है वो क्या है क्रीपर है अंडरस्टैंड टेल मी नाउ एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर अ पंपकिन एंड वाटर मिलन टेलमी नाउ एग्जाम्पल ऑफ क्लाइबर द ग्रेप वाइन द ग्रेप वाइन इज अ क्लाइंबर उसको किसकी ज़रूरत होती है सपोर्ट की जरूरत होती है उन्हें हम क्या कहते हैं क्लाइंबर ओके अंडरस्टैंड बाय बाय सी यू अगेन